आज हम शॉर्ट किलर के बारे में बात करेंगे। शॉर्ट किल कैसे करना है, ऐसी प्रोडक्ट्स जो कि कोई काम की नहीं है, वो लोग ट्रेनिंग के नाम पर बेच भी रहे और ट्रेनिंग के तो अलग से पैसे ले ही रहे और साथ साथ अपना प्रोडक्ट भी बेच रहे हैं, ठीक है। और वो प्रोडक्ट जब एक्चुअल में यूज करने का वक्त आता है तब पता चलता है सभी को कि ये तो फालतू था, हमारे साथ चीटिंग हो गई है ना। तो आज हम एक प्रोडक्ट लेके आए हैं जो कि आपके काम की है और ट्रेनिंग के बाद मैं उसका आइडिया भी दूंगा आपको कि कैसे बनाना है, ठीक है। शॉर्ट किलर, बहुत ही बढ़िया शॉर्ट किलर, ठीक है। शॉर्ट होता क्या है पहले देख लेते हैं। कोई भी आईसी के अंदर प्लस और एक माइनस होता है, ठीक है, और सिग्नल आउटपुट ये सब कुछ होगा ही, ठीक है। पिन खाली एक दो चार पिन नहीं होती है, इसमें ग्राउंड और सप्लाई के बीच में शॉर्ट हो तो हम उसको बोलेंगे आईसी शॉर्ट, ठीक है। या इस लाइन में पीएफ लगे हुए हैं, ठीक है, और जैसे एक आउटपुट है 3.3 वोल्ट, ठीक है, इसके भी आउटपुट में पीएफ लगे हुए हैं। एक डायोड यहां पर होता है जो कि जीनर डायोड होता है, ओके, 3.3 वोल्ट की लाइन में, और काफी सारे पीएफ लगे हुए होते हैं, ठीक है, सोर्स पीसीबी के पास पास भी, ठीक है, इसी लाइन में। ये 12 वोल्ट है। कभी शॉर्टिंग ऐसी होती है सीधी आईसी के अंदर से ग्राउंड, ठीक है, कभी शॉर्टिंग होती है ऐसी पीएफ के थ्रू, ठीक है, कभी शॉर्टिंग होती है आउटपुट लाइन में, ठीक है, या ये बाहर निकल के कोई पीएफ के थ्रू शॉर्ट हो रहा है या कॉफ आईसी में जाकर कॉफ शॉर्ट है। ये कॉफ आईसी में 3.3 वोल्ट चले गए और अंदर शॉर्टिंग है कॉफ में, ठीक है। तो आप कैसे पता लगाएं कि ये जो शॉर्टिंग है वो कहाँ की है? ये भी कॉफ में जाने वाले वोल्टेज 16 वोल्ट, ठीक है। अब यहाँ पर शॉर्टिंग हो अगर जो आउटपुट लाइन में या इस पीएफ में या इधर एक पीएफ लगा हुआ है उस पीएफ में या आईसी में जाकर कॉफ आईसी में जाकर, अब हमें शॉर्टिंग का पता कैसे लगाना है कि शॉर्टिंग एग्जैक्टली है कहाँ? आपने देख तो लिया मल्टीमीटर से यहाँ और इसके बीच में शॉर्टिंग है, ये एवीडीडी लाइन है, ठीक है, जो कि 16 वोल्ट की होती है, एवरेज 16 वोल्ट, डिफरेंट पैनल में ये चेंज होगी, लेकिन हम अभी वो वैल्यू मान के चल रहे हैं जो कि ज़्यादातर यूज होती है 16 वोल्ट। अब यहाँ पर ये पीएफ ग्राउंड है, ये ग्राउंड है या ये ग्राउंड है या आईसी ग्राउंड है खुद कॉफ आईसी, तो वो पता लगाने का तरीका हम आज हमारा एक आविष्कार, ठीक है, हमने एक अलग चीज को अलग तरीके से चेंज किया है, यहाँ पर बता दो आप। ये है मेरे थ्रू इन्वेंटेड शॉर्ट किलर मशीन, ठीक है, जिससे कि हम मतलब सेकेंड्स में बता देंगे कि कहाँ पर कंपोनेंट खराब है। अब जैसे ये बोर्ड है मेरे पास जिसमें एक शॉर्टिंग तो है, लेकिन वो शॉर्टिंग कहाँ पर है वो हमें देखने के लिए या तो हम सब पीएफ निकाल के देखें या कॉफ निकाल कर देखें या कैसे देखें, ठीक है, हमें कैसे पता चलेगा एग्जैक्टली क्या चीज़ खराब है, उसकी मशीन है ये, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले पावर देते हैं इसको, ठीक है, इसमें पावर लाइट मैंने दे रखी है, ठीक है, इसके अलावा ये सब डमी है, ओके, सिर्फ पावर लाइट ऑन ऑफ के लिए दे रखा है, और एक प्रोब है जो कि शॉर्ट किलर के लिए है, ठीक है, शॉर्ट किल करने के लिए। पावर देख लेते हैं इसमें कहाँ पे क्या गड़बड़ी है पहले, फिर उसके बाद हम शॉर्ट किलर पे आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं 12 वोल्ट देख रहा हूँ, यहाँ पर 12 वोल्ट ओके है, ठीक है, इसके बाद हम 3.3 वोल्ट देख लेते हैं, 3.3 वोल्ट की हालत क्या है। सो यहाँ पे 0.6 वोल्ट आ रहे हैं, 3.3 पूरे नहीं आ रहे हैं। एचवी इनपुट 12 वोल्ट प्रेजेंट नहीं है, 0.28 वोल्ट आ रहे हैं और यहाँ पर एवीडीडी वोल्टेज नहीं है, ठीक है। शॉर्टिंग कैसी होगी, ये शॉर्टिंग ये होती है, ठीक है। अब हम एवीडीडी आउटपुट पे देख रहे हैं तो यहाँ पर 0.015 की शॉर्टिंग है, ये है लगभग 10 ओम्स की, 9.6 से लेके 10 ओम्स के बीच की ये शॉर्टिंग है, ओके। मैं ये शॉर्ट किलर मशीन ले लूँ जिससे कि मैं ये शॉर्ट को सेकंड्स में हटा पाऊँ, ठीक है। तो उसके लिए करना क्या है, देखो मैंने ये मीटर की प्रोब ली, पावर दे दिया है, ठीक है, यहाँ पर ऑन कर दिया,
ठीक है। आप यहाँ पर कांस्टेंट नजर रखना कि क्या होने वाला है। ग्राउंड में कॉमन रखूंगा, ओके यहाँ पर। अब मैं यहाँ पर जहाँ पर मुझे शॉर्ट दिख रहा है टेस्ट पॉइंट पे ही टच करता हूँ, तो क्या होता है देखना है, ठीक है। ये जल गया, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। दूसरा झटका दिया तो पता चल गया कहाँ पर है, ठीक है, शॉर्टिंग यहाँ पर थी। एवीटीडी और ग्राउंड के बीच में 0.549 जो कि आईसी की रीडिंग है, ठीक है, ये आउट कर रही है एवीटीडी वोल्टेज, उसकी रीडिंग 0.5 है, मतलब ओपन नहीं है, तो ये वोल्टेज अब आ जाने चाहिए। चेक कर लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर 16.99 वोल्ट आ गए हैं और 3.3 वोल्ट आ चुके हैं, वी ऑन सप्लाई आ चुकी है। एच वी इनपुट जो कि सबसे पहले चेक करना चाहिए बिकॉज बूस्ट वोल्टेज उसी से बनते हैं, तो एच वी इनपुट 12 वोल्ट यहाँ पर आ चुके हैं। एच ए वी डी डी, ठीक है, 8.5 वोल्ट आ चुके हैं जो कि इधर जाते हैं यहाँ पर कॉफ आई सी में। आपको हमने बताया कि किस तरह से ये शॉर्ट किलर मशीन काम करती है, तो आपको कैसा लगा ये कमेंट में ज़रूर लिखिए। और अगर जो आपको चाहिए ये, तो आप यहाँ पर आ सकते हैं मेरी ट्रेनिंग लेने के लिए, उसके बाद मैं आपको आइडिया दूंगा कि ये कैसे बनेगा, ठीक है, और क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको करनी चाहिए और नहीं करनी चाहिए, वो भी आइडियाज़ आपको ट्रेनिंग में आने के बाद मिलेगी, इस तरह के शॉर्ट किलर मशीन यूज़ करने के बाद, ठीक है। I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go to work cause my boss is a jerk and I'm not even that paid. I need a change in my life cause I don't feel alive and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit, I'm gonna stay there till I feel like I'm winning all. And this is just the beginning, I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting, and I'll never look back, moving on till I get it all. And we all got dreams, we all want things, but what you gonna do for it, how you gonna move for it, what you gonna be, and do you believe? You can do anything. But what you gonna do for it? How you gonna move for it?